हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस ए वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन एंड स्टूडेंट आज हम यहाँ पे पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू न्यूज़पेपर एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर में मैं कई बार बात कर चुकी हूँ बट स्टूडेंट्स की क्वेरी ख़त्म ही नहीं होती न्यूज़ को लेकर तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से सेशन लेके आया जाए न्यूज़पेपर के ऊपर कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर की क्या इम्पोर्टेंस है राइट बट इससे इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी दैट इज़ कि पी के लिए पी के लिए हमारा न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट हो स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट तो स्टूडेंट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होगा सबसे पहले तो आप वही नोट कर लीजिए सबसे पहले स्टूडेंट आपका जो बैच है वो बहुत ही बेसिक से शुरू किया जाएगा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए फिर आप मूव करोगे एडवांस की तरफ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे टेस्ट भी आपके यहाँ पे टू टाइप्स हैं स्टूडेंट पहले डेली बेसिस पे जो भी आप टॉपिक करते हो उसके टेस्ट ठीक है उनके एमसी क्यू आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट सेकेंड आपका वीकली बेसिस पे भी टेस्ट होता है और एक आपका टेस्ट सीरीज रहती है जिसको आप सेक्शनल वाइज लगाते हो ठीक है जी ठीक है जी तो स्टूडेंट ये सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है ये जो बैच है स्टूडेंट ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही हैं ये बैच ठीक है तो आप लीजिए इसको ठीक है आप अवेल कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जी ओके 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 ठीक है जी तो बढ़ते हैं स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टूडेंट नोटिफिकेशन आपकी कभी भी आउट हो सकती है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कंटिन्यू रखिए ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि तीन साल हो गए नोटिफिकेशन आई तो अब लाइफ टाइम में कभी नहीं आएगी स्टूडेंट टू थाउजेंड में आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी अगस्त आपकी अगस्त में आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी ठीक है जी अगस्त सेप्टेम्बर में आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी तो स्टूडेंट आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और अब हम समझते हैं स्टूडेंट न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस इन योर एग्जामिनेशन तो मैं न्यूज़पेपर को यहाँ पे सबसे पहले तो ये कवर करते हैं कि स्टूडेंट कौन सा न्यूज़पेपर ठीक है विच न्यूज़पेपर इज मोर रेलिवेंट तो मैं को दो कैटेगरी के हिसाब से कर देते हो एक तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं और दूसरे पंजाबी मीडियम के हैं ठीक है सबसे पहले पंजाबी मीडियम के लिए आपका रीजनल जो न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर स्टूडेंट कौन सा है ये मैटर नहीं करता न्यूज़पेपर में से आप क्या पढ़ रहे हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्या कोई चीज है ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है रीजनल न्यूज़पेपर जैसे कि आपका जग बानी हो गया ठीक है जगबाणी ठीक है ट्रिब्यून ट्रिब्यून पंजाबी भी आंदा है ठीक है ट्रिब्यून हो गया अपना और के, के कौन सा न्यूज़पेपर है आपका आ, बहुत सारे हैं दैनिक भास्कर ये वो इंग्लिश में आप स्टूडेंट इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है आप इसको पढ़ सकते हैं नोट कर लीजिए स्टूडेंट इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है इसके अलावा स्टूडेंट द हिंदू फॉलो कर सकते हो द हिंदू थोड़ा सा कॉस्टली है बट हाँ बहुत सारे बच्चों का ये वन ऑफ द फेवरेट है कई बच्चे पी के साथ साथ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते तो आप सिर्फ़ द हिंदू पढ़िए ठीक है ये बात क्लियर हुई कि नो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है अच्छा कई बच्चे कहते हैं कि मैम मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है तो स्टूडेंट पंजाबी इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करो इंडियन एक्सप्रेस के साथ रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो वो भी पंजाबी का मतलब आप दो न्यूज़पेपर लगा सकते हो तो एक इंडियन एक्सप्रेस और एक आपका जग पानी तो रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम जाएगा ज़्यादा ज़्यादा हाफ आवर एक घंटा है ना इंडियन एक्सप्रेस में हो सकता है कि आपका वन आवर से थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए बट स्टूडेंट अगर आप डेली बेसिस पर अगर आप इतना टाइम डिवोट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले तो स्टूडेंट आप अपने एग्जाम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कीजिए प्रेलिम्स तीन स्टेजेस हैं इसकी मेंस एंड सेकेंड थर्ड नंबर पे है आपका इंटरव्यू न्यूज़पेपर स्टूडेंट एक ऐसा सोर्स है जो आपका इन तीनों स्टेजेस में काम आता है तीनों की तीनों स्टेजेस को क्लियर करने में न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स कैसे करता है सी हियर Prelims में स्टूडेंट अगर आप लास्ट ईयर के करंट पेपर देखो तो ऑलमोस्ट आपका 40% परसेंट फोर्टी टू फोर्टी परसेंट जो पेपर है वो करंट ओरिएंटेड है और स्टूडेंट इसमें भी दो स्टूडेंट दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं एक करंट अफेयर के लिए वो कोई ना कोई मैगजीन फॉलो करते हैं और दूसरे जो सिर्फ न्यूज़पेपर पर करते हैं ठीक है दो कैटेगरीज़ है इसमें जैसे मैं जिस कैटेगरी में लाई करती हूँ मैं अपना पर्सनल बता देती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर पे बहुत रिलाई करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से आप जब आप एनालाइज़ करके ये देखते हो कि हाँ जी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर से आप जब पढ़ते हो तो जब आपकी थोड़ी मेहनत लगती है ना कंटेंट निकालने में ठीक है तो आपका दिमाग ज़्यादा खुलता है वही चीज़ है ना एक खाना पकाने में और एक खाना खुद से पका के खाने में एक पका पकाया और खाना पका के खाने में दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट है खाना ही बट आप एक खुद से हाथ से बना के खाते हो उसका एक अलग मज़ा है एक आप बना बनाया खाते हो उसमें एक अलग मज़ा है बने बनाए में आप कभी नखरे नखरे भी करते हो आपको कुछ पता नहीं चलता कि आटा दाल का भाव क्या है ऐसा ही है ना बट अगर रोज बना के आपको खुद खाना पड़े रोज आप बाहर से सामान लेकर आओ खुद के फाइनेंसिस आप खुद पे करो तो स्टूडेंट तब पता चलता है कि हाँ जी इस जो इस फूड की वैल्यू क्या है ठीक है तो सेम चीज़ स्टूडेंट जब आप न्यूज़पेपर में से पढ़ते हो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है दिमाग पे थोड़ा जोर आता है राइट थोड़ा पेन होता है दिमाग को ठीक है तो उस टाइम पे स्टूडेंट बिलीव मी आपकी मेहनत अच्छा रंग लाती है ठीक है क्योंकि आप वो चीज़ें भी कर कवर कर ले जाती हो जो स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो सिर्फ पक्का पकाया खा रहे हैं तो स्टूडेंट होता क्या है ना जैसे मान लो कोई मैगज़ीन है है ना मैं मैगजीन्स को बुरा नहीं बताती बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि ये भी इनका भी अल्टीमेट जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर ही है ये भी न्यूज़पेपर में से ही छान रहे हैं कंटेंट को ठीक है न्यूज़पेपर बट हो सकता है भाई मैगज़ीन जो है वो अपना पैसा बढ़ाने के चक्कर में ठीक है पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो कंटेंट ज़्यादा लिख रही हो आपको क्या पता आपको नहीं पता क्योंकि आप तो स्पून फीडर बन गए हो ना है ना आप तो स्पून फीडर बन गए अब आपको जितना मैगज़ीन दे दिया महीने का चाहे फिर वो फोर्टी पेजेस का है हंड्रेड पेजेस का है आप बस पढ़ने पे लगे हो इसको उसमें से इंपॉर्टेंट है नहीं आपको कुछ पता नहीं आपको लग रहा है सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ूँगा ठीक है बट स्टूडेंट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत बार आपको मतलब पढ़ते 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 आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अंदर दो तीन महीने के अंदर कि आपको समझ में आना लग जाएगा कि कौन सा पैरा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा पैरा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कहते हैं मैम जो हमारी मैगज़ीन है ना वो बहुत सारा टाइम सेव कर देती है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ता बट स्टूडेंट टाइम सेव नहीं वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम खा भी जाती है कई बार ठीक है क्योंकि आई यू डोंट नो कि वो कितने वो कितने उसे न्यूज़पेपर को चूज़ करके वो वो बना रही है वो चीज़ वहाँ से वो कंटेंट उठा रही है क्या पता उसने कितने न्यूज़पेपर इकट्ठे किए होंगे अपनी एक मैगज़ीन को बनाने के लिए बट क्या एग्ज़ाम में इतना करंट अफेयर पूछा जाता है नहीं बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स सो दैट्स वाई स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं इसी को स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी कहते हैं स्मार्ट स्टडी नाम की और कोई चीज़ नहीं है स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल सको और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद से मेहनत करते हो हर बार आपको सौ पेजेस की मान लो मैं आपको मैगजीन पकड़ा दूँ ठीक है पढ़िए कंटेंट वही है सेम आपको लगेगा एक महीना न्यूज़पेपर पढ़ो एक महीना मैगजीन पढ़ो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार कोई खास फ़र्क नहीं है इवन मैगजीन्स आर मच बेटर देन न्यूज़पेपर बट स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ने के अपने एक अलग बेनिफिट्स हैं पढ़िए मैगजीन्स भी पढ़िए लेकिन मैगजींस को भी अपने वे में पढ़िए मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैगजीन में भी मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये नहीं है कि मुझे सब पढ़ लेना और वो तभी पता चलता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आर यू गेटिंग माई पॉइंट यह सुन लो कमेंट करो क्या आप मेरे को क्या आप मेरा पॉइंट कैच कर रहे हो मेरा पॉइंट कहने का मतलब क्या है मतलब सिंपल है स्टूडेंट कि न्यूज़पेपर पढ़िए अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तब भी स्टूडेंट यू शुड यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर ठीक है क्योंकि उसके एन नंबर्स ऑफ बेनिफिट्स हैं सबसे पहले करंट अफेयर की न्यूज़ पता चलती है आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है स्टूडेंट ठीक है आपका इन आपका बहुत अच्छा क्या बनता है इंग्लिश पे बहुत अच्छा होल्ड बनता है वे क्या? बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है आपकी ठीक है राइटर्स के ऑथर्स के व्यू पॉइंट जो हैं वो आपको मेन्स में बहुत जरूरी हेल्प करते एंड में यू नो दैट कि में भी हमारे क्या आता है करंट अफेयर आता है यहां पे भी करंट अफेयर आता है सो दैट्स वाई स्टूडेंट न्यूज पेपर तो यहां पे भी मस्ट है फिर अगर मैं बात करू इंटरव्यू इंटरव्यू में क्या होता है बात ही तो की जाती है किसी मुद्दे पे बात की जाती है किसी मैटर पे बात की जाती है और वो मैटर अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो स्टूडेंट डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो स्टूडेंट तो वो आपको हेल्प करता है उस मैटर के बारे में आपके थॉट्स रखने में जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो उसमें एडिटोरियल आते हैं जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो स्टूडेंट तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स मिलते हैं उसके अंदर व्यू पॉइंट मिलते हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को पॉलिश करते हो और इंटरव्यू में आप एक बेटर आंसर दे पाते हो क्योंकि इंटरव्यू की तो कोई बुक नहीं है ना ये तो ये तो एक मतलब ये, ये तो फैक्ट है ना कि बुक तो नहीं है अब बुक में से रट्टा मार के तो नहीं जाओगे फॉर एग्जाम्पल आपसे इंटरव्यू पैनल का अभी अभी रिसेंट का कोई इंसिडेंट पूछ ले जैसे कि क्वेश्चन पुट कर ले वो आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिसका भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया फार्मर प्रोटेस्ट पे तो क्या आंसर दोगे आप एक्सट्रीम दोगे तो भी नंबर कटेंगे बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू में आंसर दोगे गवर्नमेंट के तो भैया आपको गवर्नमेंट के साथ ही काम करना है इसका मतलब तो भैया आप गवर्नमेंट के साथ कभी मिलकर काम ही नहीं करोगे कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठेगा आपका और बहुत अगर आप टिल्टेड हो गए आप इमोशनल हो गए कि हमारे फार्मर तो भूखे मर रहे हैं ये है वो है तो वो कहेंगे कि आप इमोशनल होकर डिसीजन कैसे लेंगे आपको क्या पता कि जो डिमांड्स हैं फार्मर्स की वो सही हैं या नहीं है? है ना तो आगे के आगे वो आपको ट्रैप में ले लेंगे फिर सो so, उसका स्मार्टली तरीके से आंसर कैसे करना है ये आपको न्यूज पेपर बताते हैं ये आपको न्यूज पेपर बताता है स्टूडेंट सो दैट्स वाई स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज पेपर पढ़ो क्योंकि उसकी अलग वैल्यू है ठीक है मैगजीन्स कभी भी रिप्लेस नहीं करती न्यूज़ पेपर को ठीक है उनको पढ़ना बहुत नीड है स्टूडेंट आपको सो so, प्लीज़ आप न्यूज पेपर कंटिन्यू रखिए जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक स्टूडेंट आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखिए ठीक है जी ये बात क्लियर हुई तो इसके बाद प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट जो है न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चन पुट ना करे कि हाँ जी न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है ठीक है मैगजींस भी फॉलो कर सकते हैं उसके साथ साथ फॉर करंट अफ़ेयर उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि गलत दे रखे इन्फॉर्मेशन या उसमें वो अच्छा सोर्स नहीं है बिल्कुल आजकल बहुत अच्छी मैगजीन्स आती है मार्केट में आप पढ़ भी सकते हैं इवन अभिमन्यू आई के अंदर भी वीकली करंट अफेयर की क्लास चलती है इवन यूट्यूब के ऊपर भी वो क्लास अवेलेबल होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो यूट्यूब पे भी आते हैं रोहित गर्चा के आप उनको भी देख सकते हैं और इवन वीकली क्लास जो है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ठीक है उसमें आपको पी भी प्रोवाइड की जाती है ठीक है बाकायदा करंट अफेयर की ठीक है तो आप वो भी कर सकते हैं कोई उसमें ऐसा नहीं है कि गलत कंटेंट दिया या गलत इन्फॉर्मेशन है ऐसा कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाता है बट न्यूज़पेपर पढ़िए क्योंकि उसके आपको मेन पाँच बेनिफिट्स हैं पहला इन्फॉर्मेशन दूसरा कम्युनिकेशन स्किल तीसरा इंग्लिश वकैब और आपकी नॉलेज चारों चीज़ें इम्प्रूव करता है वो और स्टेज के एग्ज़ाम के हर स्टेज में वो आपकी हेल्प करते हैं तो ओके okay, स्टूडेंट मैं इसी के साथ सेशन ओवर कर रही हूँ थैंक यू अ नाइस डे